फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हैं तो सामान डिलीवरी होने के बाद आपसे फीडबैक लिया जाता है कि डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, प्रोडक्ट जो है इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा था, प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इस तरह से बहुत सारा चीज़ आपसे पूछा जाता है। अगर कोई आप बिग बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो भी आपसे फीडबैक लिया जाता है, जो भी स्टाफ था वो आपसे कैसा बिहेव किया, जो प्रोडक्ट है वो कैसा था। अगर आप सैमसंग या एलजी का कुछ शोरूम से कुछ परचेस करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह का कुछ अगर खरीदते हैं तो आपसे फीडबैक मांगा जाता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा था, पैकेजिंग कैसा था और जो स्टाफ थे शॉप में उसका बिहेवियर कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था वो भी पूछा जाता है। इसके बाद अगर आपको कोई सजेशन होता है तो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ज़रूरत क्या है, इनका ज़रूरत इसलिए है जो भी सर्विस आपको दिया जाता है उन सर्विस में अगर कोई गलतियां होता है, कोई कमियां रह जाता है तो कंपनी क्या करता है, फीडबैक के मदद से वो चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि आपको और भी बेहतर सर्विस मिले। अगर इस तरह का चीज़ कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो कैसा रहेगा, जी हाँ, SBI ने इस तरह का फैसिलिटीज लॉन्च किया है। अगर आप किसी तरह का सर्विस लेते हैं SBI का किसी भी ब्रांच से तो आपके पास एक मैसेज जाएगा जिसमें आप आपका फीडबैक दे सकते हैं, आपका जो ओवरऑल सर्विस था वो कैसा लगा, स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको क्या लगता है आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मुझे तो लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे आपका जो भी सर्विस क्वालिटी है आपको बहुत बेहतर सर्विस मिलेगा, क्योंकि जो भी कमियां होगा इस फीडबैक के मदद से वो सर्विस और भी बेहतर होगा, ये मुझे लगता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको फीडबैक देना है। तो मेरे पास एक लिंक आया था, उस लिंक के जरिए मुझे फीडबैक देना था, मैंने आज कैश विड्रॉल किया था और मुझे एक मैसेज आया फीडबैक के लिए, वो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका मोबाइल में जो मैसेज आया है, जो लिंक आया है SBI से, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ SBI से फीडबैक के लिए जो मैसेज आएगा उसी में आप क्लिक कीजिएगा, दूसरा कोई लिंक में क्लिक मत कीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाता है और इसमें देखिए लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर फीडबैक फॉर्म, ये SBI की तरफ से है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो डेट है ट्रांजेक्शन डेट वो रहता है, उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप, आप किस तरह से ट्रांजेक्शन लिया है, जैसे कि कैश डिपॉजिट, विड्रॉल और दूसरा कोई ट्रांजेक्शन, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है, इस तरह का बहुत सारा सर्विसेज है जो आप लेते हैं हर रोज़, उसका टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कैश विड्रॉल का है, मैंने कैश विड्रॉल किया था और उसके बाद फीडबैक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर में कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हाउ वॉज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ SBI, यानी SBI के साथ आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, जैसे कि पोर, एवरेज, गुड और आउटस्टैंडिंग, आपके हिसाब से आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने जब ब्रांच जाते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चूज कर लूंगा, तो आउटस्टैंडिंग कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप आपका फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को कैसे SBI को रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक है। यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली 10 को चूज करूंगा, मैंने 10 चूज कर लिया। उसके बाद थर्ड एक क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे है लिखा हुआ कि वेदर द बैंक मेड इट इजी फॉर यू टू हैंडल योर इशू, यानी आपका जो भी इशू था उस इशू को सॉल्व करने के लिए बैंक आपको कैसे हेल्प किया था, क्या ये बहुत हार्ड था, इजी था। इसमें भी 0 से 7 तक का नंबर है, आप इसमें चूज कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 7 में से 7 ही चूज करूंगा, तो 7 चूज कर लिया। और यहाँ पे एक आपको कैप्चा कोड दिखेंगे, कैप्चा कोड को यहाँ पे सिंपली फिलअप कर देना है, तो मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर दूंगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन में सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे ही सबमिट बटन में क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फीडबैक, यानी आपका जो फीडबैक है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपको बैंक की तरफ से एक थैंक्स भी मिल गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप SBI का किसी भी तरह का अगर सर्विस लेते हैं तो उसका फीडबैक आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से दे सकते हैं, बहुत बढ़िया एक फीचर है। क्या आपको लगता है इससे SBI का जो सर्विस है और भी बेहतर होगा या घटिया होगा या कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था,
उम्मीद है वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों के पास इस तरह का मैसेज पहुंच जाए कि SBI ने भी फीडबैक लॉन्च कर दिए, हम अब फीडबैक दे सकते हैं। अगर हमारा पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साइड में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।